आपने कभी भी किसी को आई लव यू कहे बिना आई लव यू कहा है? मैंने कहा है। कैसे? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। हाय, माय नेम इज आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ साल पहले की बात करता हूँ, उस वक्त की बात जब 30 रुपए में 500 SMS मिलते थे और नोकिया 1110 से लोग अपनी बातें किया करते थे। अब बात शुरू करूं उससे पहले इस कहानी के नॉट सो हीरो के बारे में बताता हूँ। मैं गुजराती मीडियम का सीधा साधा लड़का जिसके साथ ऑलमोस्ट किसी भी लड़की ने स्कूल के दौरान बात ही नहीं की थी, क्योंकि ना तो बोलने में माहिर थे ना तो पढ़ाई में। सो इस नॉट सो पॉपुलर इम्प्रेशन की वजह से स्कूल में अपना मामला थोड़ा ढीला ढाला सा था। पर जैसे ही कॉलेज में एंटर हुए तो जिंदगी का नया सिरा शुरू हुआ और वहां पे मिली एक दोस्त जो कि इस कहानी में जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है उस दोस्त की बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरी दोस्त बन गई और देखते ही देखते हम करीबी दोस्त बन गए। दिन और रात हमारी बातें चलती रहती थी, दिन को SMS, रात को फोन, और कभी कभार जब SMS पैक खत्म हो जाता था तो रात को फोन पे बतियाते थे। अब बात है कुछ ऐसी ही एक रात की जब हम दोनों बात कर रहे थे और सडनली मैंने नोटिस किया कि उसके बैकग्राउंड में कोई गाना बज रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि एक मिनट, ये तो वही गाना है ना जो अभी रेडियो पे चल रहा है? तो बोले कि हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैंने बोला मेरे वहां भी वही चल रहा है। इतना कहा और हम दोनों के बीच में 2 मिनट तक बातें ही ना हुई। हम दोनों चुप थे पर बात हो रही थी दो गानों के बीच। हम दोनों चुप थे पर बातें हो रही थी हम दोनों की मुस्कान के बीच। और बस तब से वो गाना हमारा गाना हो गया। और वहां से दूसरा वाक्य ये शुरू हुआ कि जब जब जहां जहां वो गाना मैं सुनता तुरंत उसको एक ब्लैंक SMS भेज देता। उस SMS को पढ़ के तुरंत उसका रिप्लाई एक स्माइली के साथ आता। सामने वो भी ऐसा करती, कहीं पे भी वो गाना सुनती तुरंत मुझे एक ब्लैंक SMS भेजती और जैसी मुस्कान आपके चेहरे पे है बिल्कुल वैसी मुस्कान मेरे चेहरे पे और उस रिप्लाई में होती। तब है ना दो बातें रियलाइज हुई, एक तो ये कि रिलेशन में गाना होने के लिए रिलेशनशिप में होना जरूरी नहीं है। दूसरा ये कि किसी को भी आई लव यू कहने के लिए आई लव यू कहना जरूरी नहीं है, बस एक ब्लैंक मैसेज ही काफी होता है। क्या? अच्छा, अभी आप ये सोच रहे हैं कि वो गाना कौन सा था? आज दिन चढ़िया फ्रॉम लव आजकल। वैसे आपका वो पसंदीदा गाना कौन सा है बताइए कमेंट बॉक्स में।